असलकम स्टूडेंट टुडे आवर टॉपिक इज़ इको सिस्टम अंडर थ्रेड तो इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि जो है हमारा जो इको सिस्टम है ठीक है तो वो किस तरह जो है थ्रेड में है किस तरह जो है एक्सटेंड हो रहा है दिन ब दिन जो है क्या हो रहा है कि डे बाई डे जो है हमारा जो इको सिस्टम है वो किस तरह जो है Uh, हम कह सकते हैं कि थ्रेड यानी किस तरह हम एक्सटेंड हो रहा है ठीक है तो कुछ कारण की वजह से जो है क्या ह्यूमंस एक्टिविटीज़ के ज़रिए या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि नेचुरल जो कुछ नेचुरल कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए क्या होता है कि हमारा जो इको है वो जो है पहले से क्या हो रहा है कि थ्रेड हो रहा है ठीक है तो फर्स्टली हम देखेंगे कि वट इज़ सिस्टम ठीक है इको सिस्टम जो हमने पहले ही ले जो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि इको सिस्टम का मतलब ये है कि जहाँ पे बायोटिक और एंड एबायोटिक इंटरेक्ट करते हैं ठीक है बायोटिक और एबायोटिक जो है क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ डिपेंडेबल है इंटरेक्शंस करते हैं फॉर देयर लिविंग सर्वाइव फॉर their लाइफ सर्वाइव फाइव फॉर देर सर्वाइव ऑफ ठीक है तो ये चीज़ है कि जो है क्या होता है कि इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक और एबायोटिक दोनों होता है ठीक है तो जो बायोटिक जो है क्या एबायोटिक के ऊपर जो है डिपेंडेबल है ठीक है तो इसके कारण क्या बनता है कि हमारा जो है एक इकोसिस्टम बन जाता है ठीक है तो एको सिस्टम जो बन गया जिसमें लिविंग भी है जो है नॉन लिविंग भी है ठीक है तो जब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जो है इंटरेक्शन्स करता है ठीक है एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है कि इंटरेक्शन हो रहा है ठीक है तो उस चीज़ से क्या होता है कि आ, जो है एक दूसरे के ऊपर जो है सर्वाइव ऑफ लाइफ के लिए, 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 लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है ठीक है वो डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग पे क्योंकि वो अपने जो है लाइफ को आगे जो है सर्वाइव करें इसलिए ठीक है जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो एयर है वाटर है ठीक है लैंड है ठीक है ये हुआ हमारा अबायोटिक ठीक है एबायोटिक और जो हमारे एनिमल्स है ह्यूमन बींग्स है ह्यूमन्स या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है ये सब हमारे क्या है कि बायोटिक है ठीक है ठीक है तो ये क्या कर रहा है कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन्स हो रहा है ठीक है तो इस प्रोसेस में हमें जो पढ़ना है कि वो ही पढ़ना है कि जो इकोसिस्टम है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है कि एक्सटेंड हो रहा है अब अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स से ठीक है थीके? उनकी अगर हम बात करें तो कितने एक्सटेंड हो रहे हैं दिन ब दिन कितने एक्सटेंड हो रहा है ठीक है थीके? तो फर्स्ट फैक्टर रहता है कि हमारा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ठीक है फ़र्स्ट फैक्टर रहता है कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इको जो है एक थ्रेड होने का ख़तरा रहता है ठीक है अब ग्लोबल वार्मिंग किस तरह होता है कि देख लीजिए अब ग्लोबल वार्मिंग कैसा होता है कि जितने भी हमारे जो है हार्मफुल गैसेस होता है ठीक है हार्मफुल जो गैसेस होता है हम उसको रिलीज़ कर लेते हैं एडमोस हमारे एयर के अंदर या हम कह सकते हैं कि हमारे एटमोसफियर के अंदर ठीक है जैसे कि हमारा जो है सी एफ सी है ठीक है या हम कह सकते ग्रीन हाउस जो है ग्रीन हाउस गैसेस है जितने भी ठीक है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर सी ओ टू मीथेन ठीक है इसके अलावा जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है नाइट्रोस ऑक्साइड ठीक है तो ये कुछ ऐसे गैसेस हैं जो क्या करते हैं कि जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है ठीक है एटमॉस्फेयर में चला जाने के बाद वो क्या करते हैं कि हमारे जो है क्लाइमेट को हमारे जो है हम कह सकते हैं कि जो है हमारे जो टम्परेचर्स को ठीक है टम्परेचर्स को जो है हमारे वेरिएशंस करता है फ्लक्चुएशन करता है टेम्परेचर के अंदर क्या करते हैं किस करता है ठीक है फ्लक्चुएशंस करता है ठीक है तो जब टेंपरेचर्स फ्लक्चुएशंस हुआ तो क्या होता है कि हमारे जो है हीट uh, अप हो जाता है ठीक है टम्परेचर जो है राइस हो जाता है ठीक टेम्परेचर राइज़ हो जाता है जब टम्परेचर राइज हो जाता है तो उससे क्या होगा कि हमारे जो है जितने भी हमारे ग्लेशियर्स है ठीक है ग्लेशियर्स है ठीक है वो सब क्या होता है कि मेल्ट हो जाता है ठीक है जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो के इन द फॉर्म ऑफ या आइस जो है मेल्ट होके इन द फॉर्म ऑफ वाटर के थ्रू ठीक है वाटर जो है नीचे आ जाता है जब नीचे आ जाते हैं तो जो हमारे सी लेवल है ठीक है सी लेवल जो है क्या होता है कि बढ़ जाता है ठीक है सी लेवल बढ़ जाता है ठीक है अगर सी लेवल बढ़ गया तो सी लेवल के जितने भी नज़दीक जितने भी हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैबिटेड बनाया था उन सब पे क्या होता है उन सब को क्या करता है कि डिस्ट्रैक्ट कर लेता है तो ये सी लेवल बढ़ जाता है तो उस सी लेवल से क्या होता है कि हमारे जो है सी लेवल के जितने भी नज़दीक हैबिटेट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो सब जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि लिविंग के ऊपर असर पड़ता है तो ये उस इको को क्या करते हैं कि थ्रेड कर लेते उस सिस्टम को आ, जो है एक्सटेंड कर लेते हैं ठीक है उसको यानी हम कह सकते हैं कि टोटली उसको क्या करते हैं कि ख़राब कर लेते हैं ठीक है या तो जो दूसरा जो हमारा दूसरा फैक्टर रहता है कि वो है हमारा इन्वामेंटल जो है पल्यूशंस ठीक है इन्वामेंटल जो है पल्यूशन होता है ठीक है क्या होता है कि इन्वामेंटल पोल्यूशनस की वजह से ठीक है इन्वामेंटल पोल्यूशन की वजह से भी हमारा इकोसस्टम अंडर थ्रेड हो जाता है जैसे कि इन्वामेंटल पलूशनस के अंदर जो है क्या क्या होता है जैसे कि हमारे जो है एयर पोल्यूशनस ठीक है एयर पोल्यूशनस रहते हैं वाटर पुल्यूशंस ठीक है इसके अलावा है सॉइल पोल्यूशन ठीक है तो हमारे जो है आ, जो है क्या होता है कि हमारे सॉइल पोल्यूशनस भी सॉइल पोल्यूशन भी एक फैक्टर रहता है कि जो है हमारे इन्वामेंटल जो है क्लाइमेट चेंज तो ये चीज़ रहता है कि हमारे जो है एयर पोल्यूशन ठीक है बहुत सारे पोलूटन्वायॉर्मेंटल पोल्यूशन की वजह से भी हमारे क्या होता है कि जो है एकोसस्टम जो है क्या होता है कि थ्रेड हो जाता है ठीक है अब जो है क्या है कि हमारे जो एयर पोल्यूशन की वजह से आप लोगों को पता है कि एयर पोल्यूशन में जितने भी कंटेमनेट्स होते हैं अनवांटेड सबस्टेंस होता है ठीक है थीके? उसके अलावा जितने भी हार्मफुल गैसेस होता है ठीक है वो भी क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे ह्यूमन बींग्स को हमारे हम कह सकते हैं कि एनिमल्स को प्लांट्स को ठीक है तो उनके स्पीशीज़ को भी क्या कर लेते हैं कि वो है उनके स्पीशीज़ को भी क्या कर लेते हैं कि डिस्ट्रॉय कर लेते हैं ठीक है हार्म कर लेते हैं तो इस चीज़ से होता है ठीक है तो वाटर पोल्यूशन के अंदर आप देखो कितने जो है वाटर पोल्यूशन से कितने जो है हमारा वाटर बॉन्ड डिजीज़ फैल जाता है ठीक है कितने मेरीन एकोसस्टम जो है या हम कह सकते कि रिवर्स के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है ठीक है फिशेस हुए वहाँ पे जितने भी प्लांट्स है ठीक है वो सब भी क्या करते हैं कि उनके स्पीशीज़ को भी डिस्ट्रॉय इनके इको को भी क्या कर लेते हैं कि आ, हम कह सकते हैं कि उनको भी डिस्ट्रॉय कर लेता है ठीक है तो उनका इको भी क्या होता है कि एक्सडेंट हो जाता है ठीक है अब आया हमारा प्ला सॉइल पोल्यूशन से अब सॉइल पोल्यूशन भी एक फैक्टर रहता है कि हमारे जो है क्या किस चीज़ के लिए कि हमारे जो है इको सिस्टम अंडर थ्रेड के लिए ठीक है उस चीज़ से भी क्या होता है कि सॉइल अगर हम सॉइल पोल्यूशन कर लिया तो सॉइल पोल्यूशन की वजह से भी हमारे ह्यूमन बींग्स को देखो आप प्लांट्स के अंदर देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के देखो उनके एकोसस्टम को भी क्या कर लेते हैं कि इस चीज़ से बहुत सारे जो है इफ़ेक्ट हो जाता है ठीक है तो वो भी हमारे जो है कहीं ना कहीं हमारे इकोसस्टम को क्या कर रहा है कि ख़राब कर रहा है ठीक है ठीक है तो इसके बाद जो हमारा वो और एक चीज़ रहता है कि हमारे जो नॉइज़ पोल्यूशन भी एक फैक्टर रहता है कि हमारे जो है क्या होता है कि एकोसस्टम को भी डिस्ट्रॉय करने का एक फैक्टर रहता है कि ताकि जो हमारे नॉइज़ जितने हम लाउड स्पीकरस हो जो है ठीक है तो अगर हम नॉइज़ के जितने भी पिचस या हाई करेंगे या जहाँ पे भी लाउड स्पीकर नॉइज़ होगा लाउडनेस होगा तो अनवांटेड साउंड होगा तो वो उससे क्या होगा कि जो स्पीशीज़ होगा वो अपने जो है हैबिटेट uh, को छोड़ के कहीं और क्या कर लेते हैं कि वो माइग्रेट कर लेते हैं उस चीज़ से भी क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बहुत सारे प्लांट्स बहुत सारे जो है एनिमल्स क्या होता है कि सॉरी बहुत सारे एनिमल्स क्या होता है कि माइग्रेट करते वक्त कर जो है डेथ हो जाते है तो उनका भी स्पीशीज़ क्या होता है कि डिस्ट्रॉय हो जाता है ठीक है ये सेकेंड फैक्टर रहता है इसके बाद जो हमारा थर्ड फैक्टर रहता है कि वो हमारे जो है क्लाइमेट uh, चेंज रहता है सी ठीक है तो क्लाइमेट चेंज भी हमारा एक फैक्टर रहता है कि जो हमारे एक इकोसिस्टम जो है इसको डिस्ट्रॉय करने का ठीक है तो आप देख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है क्या होता है कि हमारा वेदर चेंज हो जाना वेदर चेंज की वजह से जो क्या कर लेते हैं कि बहुत सारे जो है वेदर जो है वेदर चेंज हो जाता है ठीक है अगर वेदर वहीं वेदर चेंज की वजह से क्या होता है कि हमारे जो है इफ़ेक्ट होता है किसी प्लांट्स के अंदर किसी एनिमल्स के ऊपर ठीक है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या होता है कि वो जब आ, उनका जो है क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ठीक है तो उसके ऊपर असर पड़ता है तो उसका भी क्या होता है कारण हो जाता है कि उनका भी एको जो है वो क्या होता है कि डिस्ट्रॉय हो जाता है ठीक है तो ये भी एक फैक्टर रहता है कि जो है इकोसस्टम अंडर थ्रेड का ठीक है तो इसके बाद जो है हमारा जो है ओवर पॉपुलेशन से एक फैक्टर रहता है ठीक है ओवर पॉपुलेशन भी हमारा एक फैक्टर रहता है कि इकोसिस्टम को अंडर थर्ड का ठीक है इकोसिस्टम जो है थर्ड का भी एक जो है एक फैक्टर व पॉपुलशन भी रहते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो कंपटीशन ज़्यादा होगा ठीक है कंपटीशन ज़्यादा होगा तो जितने भी हमारे पास क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेस है ठीक है उस लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर जो है क्या होगा कम्पेड होगा हैबिटेट के ऊपर कम्पेड होगा ठीक है शेल्टर के ऊपर कंपेड होगा फूड के ऊपर कंपेड होगा तो उससे भी क्या होता है कि हमारे इकोसिस्टम के ऊपर जो है कही न कहीं ना कहीं हमारे इको सिस्टम के ऊपर क्या होता है कि इफ़ेक्टेड हो जाता है ठीक है कहीं ना कहीं हमारे इको को वो क्या वो भी क्या कर लेते हैं कि डिस्ट्रॉय कर लेता है ठीक है तो ये कुछ आ, हम कह सकते हैं कि कुछ कारण हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एक इकोसिस्टम जो है क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे इकोसस्टम जो है एक्सटेंड होने का खतरा है जो है पोल्यूशन की वजह से और पॉपुलेशन की वजह से तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे इको जो है क्या हो रहा है कि दिन ब दिन जो है क्या हो रहा है कि डिस्ट्रॉय हो रहा है ठीक है तो ये एक कारण होता है ठीक है